एक लग्न 12 विघ्न पड़े ना कि जैसे कि लास्ट वीडियो में आपको बताया था, आज हम चारों बैठे, जीजू है, सरिता, सोनिया दीदी और मैं। सामने है हमारा शादी का एल्बम और आज इसको हम ओपन करेंगे और आपके साथ हमारे जो शादी का जो स्टोरी है, क्या बोलते हैं इसको, स्टोरी बोलते हैं, मेमोरीज, शादी वाला मेमोरीज आपके साथ शेयर करने वाले हैं। ये जो एल्बम है 3 पार्ट में डिवाइड हुआ है। मैं पहले आपको एक्सप्लेनेशन बता देता हूँ इसके अंदर क्या खजाना है। पहला है अपना प्री वेडिंग फोटोशूट, हमने किया था, कहाँ पे किया था ये बताएंगे आपको और कैसे सिचुएशन था उस टाइम का। उसके बाद शादी का जो सीन था वो अलग मंडप में हम लोगों का शादी हुआ था। रिसेप्शन हमने अलग प्लेस में रखा था, रिसेप्शन थोड़ा ग्रैंड करने का हमारा प्लान था क्योंकि सरिता का प्लान रिसेप्शन अच्छा होना चाहिए तो इसको ग्रैंड चाहिए, तो हमने ऐसे हमारे तरफ से हम लोगों ने ट्राई किया था। सारे जो मेमोरीज ये एल्बम में कैप्चर्ड है तो इसको ओपन करेंगे, वन बाय वन पूरा पेज डिस्प्ले करेंगे आपके सामने और हमारा जो यादें है वो ताजा करेंगे ये वीडियो में। रेडी? yes. उस यादें को ताजा करने के लिए साथ में लोग चाहिए होता है। चलो ओपन करो, हम शुरू करेंगे ना प्री वेडिंग से शुरू करते हैं। तो ये है अपना प्री वेडिंग फोटोज जो हम लोग अभी देख रहे हैं, आप लोगों के लिए यहाँ पे डिस्प्ले होगा। अभी मैं फोटो डिस्प्ले करूँगा वन बाय वन, आप उनको देखिएगा। ये फोटो के सिचुएशन हम लोग अभी एक्सप्लेन करेंगे आपके सामने। ये जो फोटोज है, फोटोशूट हम लोगों ने किया था एकदम मॉर्निंग में पैंजिम चर्च के ऑपोजिट, उसके ऑपोजिट एक गार्डन है अच्छा सा, वहाँ पे मॉर्निंग में शूट किया था अराउंड 8 o'clock। ना ना जल्दी किया था, 7 अराउंड, क्योंकि उससे पहले हम लोगों ने चर्च के सामने किया था वो 5 to 6, उसके बाद अब मैं गार्डन में आए थे। ऐसे ना हम लोग झगड़ते रहते हैं। तो एक्चुअली उस दिन का हमारा कॉन्सेप्ट था सनराइज के साथ ना पेंजिम चर्च को आगे रखेंगे और उसके पीछे से ऐसे सूरज निकलेगा और हमारा फोटोशूट होगा, ये हमारा कॉन्सेप्ट था। हमारा जो कैमरामैन था ना वो मेरा ही दोस्त है एक्चुअली, उसने अच्छा एल्बम बनाया है। एल्बम तूने जो देखा पसंद आया? बहुत अच्छा, बहुत अच्छा एल्बम बनाया है। हाँ, कुछ ग्लिम्स डालूंगा एल्बम का भी डालूंगा, फोटोज भी आप देखोगे, अच्छा फोटो क्लिक किया है। तो वहाँ पे हम लोग 2-3 फोटो शूट किए थे जो आपको पहले दिखा रहे हैं ना, ये चर्च वाला पहले फोटो देख लो, ये वाला, ये देखो हम लोग चर्च से नीचे चल के आ रहे थे, चर्च के पीछे से सनराइज हो रहा है जो आपको, और सरिता ने डाला हुआ क्या बोलते हैं ड्रेस डाला हुआ था, वन पीस शॉर्ट ड्रेस उस टाइम पे मैं थोड़ा बारीक था, कितना स्लिम थोड़ा बारीक था, अभी पेट आ गया है। उसके बाद ना वो जो सामने गार्डन था वो गार्डन में हमने फोटोशूट किया था। यहाँ पे मजा ये था, सुबह था, सुबह अर्ली मॉर्निंग था ना, ये क्या बोलते हैं उसको, 2 घंटा फॉग, तो घास के ऊपर फॉग जमा हुआ था और ऐसे में हमारा जो कैमरामैन ना इसको बोला था इधर बैठ के फोटो करेंगे उधर बैठ के करेंगे, ये थोड़ा क्यों पिछवाड़ा गीला हो रहा था हमारा, ये टेंशन था। और उन्होंने काफ़ी सारे प्रॉप्स मन लाया था, अम्ब्रेला लेके आए थे और मिस्टर मिसेस बाद में कुछ टैग रहता है ना, और टैग लेके हम लोग सुबह सुबह गार्डन में लेट रहे थे, बैठ रहे थे, ये ऐसा करके 2-3 फोटो अच्छा आया है। मुझे तो लगता है ये पोज बहुत अच्छा दिया था। जीजू को देखो, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड का पोज अच्छा था ना, बिफोर मैरिज। और उस दिन के शाम को हम लोग गए थे बीच साइड शूट करने के लिए। बीच साइड जो हमने सिलेक्ट किया था ना ये था, वाओ अच्छा है फोटो, ये मेरे वन ऑफ द लाइक फेवरेट, जो फोटो आपको हमारे प्रोफाइल पिक में दिख रहा है यूट्यूब चैनल के प्रोफाइल पिक में, ये फोटोज है। तो ये फोटो हमने निकाला था सिरदाओ बीच, जो बाम्बोलिम बीच बोलते हैं ना, वो बीच में गए हुए थे। वहाँ पे इसलिए गए थे, वहाँ से इवनिंग को सनसेट के बाद ना वास्कोडा गामा के सिटी लाइट दिखता है और बीच में रॉक्स है जो कि अच्छा प्रॉप आपको देता है फोटोशूट के लिए। तो और यहाँ पे हमने हमारा मूवमेंट बहुत फनी था, सरिता अगर कुछ याद करेगी तो बताइए। हम लोग ना वहाँ पे रुके थे ना रॉक के ऊपर, बार बार पानी आ रहा था और उसको कैमरा मैन को चाहिए था एक वेव आना चाहिए और उसमें मैं बार बार गिरा हो रही थी क्योंकि मैंने ना पूरा लॉन्ग ड्रेस वेयर किया था, हाँ गाउन डाला था पूरा, और बार बार भीग रही थी और वो मेरा ना नेटेड का था, बार बार अटक रहा था रॉक के ऊपर। और सीन क्या चल रहा था बताए, सीन चल रहा था वो ये पोज देने के लिए बोला था,
कभी चीक्स में किस करो, कभी फॉरहेड में किस करो, ये सारे ये देख, कभी हाथ को लेके, और हम लोग शर्मा रहे थे थोड़ा, क्योंकि कैमरा मैन हमारा दो तीन लोग थे और पानी के सीन चल रहा था, और मैंने जो डाला वो व्हाइट पैंट डाला था, लेदर शूज डाला था, और पानी में ऐसे रुको तो पूरा मेरा पैंट इतना था, लेदर शूज गया था उस दिन, पर अच्छा मोमेंट था। और एक फोटो यहाँ पे मैं मिस करूँगा, अगर मेरे पास रहेगा तो मैं डाल दूंगा ना, उदकान तेने किए के लगाना आमका उदकान दौल लो आणि बरी एक फोटो क्लिक केला मस्त ब्लर आहे, ब्लर आहेला म्हणजे तो यूज जाऊ ना व्हिडिओ केले ना, क्लास था होय आस्तालो माझ्याकडे और रहेगा ना तो मैं डाल दूंगा एक फोटो स्क्रीनवर दाखव, थोडा ब्लर वाला हम काय दाखव। अभी हम जाएंगे मेन शादी वाले फोटो में। यस, शादी वाले फोटो में जाने से पहले थोड़ा सा आपको डिस्क्लेमर दे देते हैं। हाँ, यहाँ पे कार्ड तो बांटो ना। हाँ, कार्ड फ्रेंड का हम लोगों ने सेपरेट किया था। हाँ, दोनों शादी का कार्ड अलग था, शादी का प्लेस अलग था, डे अलग था, ठीक है, उसका ड्रेस कोड भी अलग था, रिसेप्शन का भी उसके हिसाब से अलग था, और सारे जो हमारा शॉपिंग वगैरह, यहाँ के ज्यादातर लोग ना कहाँ से शॉपिंग करते हैं बोल? बेलगाम में ही जाते हैं सब लोग। शादी या फिर कोई भी फेस्टिवल इवेंट हो उसका अगर बड़ा शॉपिंग होता है ना, फैमिली वाले शॉपिंग होता है, तो ज्यादा करके बेलगाम जाते हैं वहाँ से। और हमारा भी शॉपिंग पूरा बेलगाम से हुआ था, 90% जो चीजें हम लोग कपड़ा होने दो सारी चीज हम लोग बेलगाम से शॉपिंग किया हुआ था। सो और हम लोग फिर से जाएंगे बेलगाम और शॉपिंग करने। देख रहे हो यहाँ पे देखो वेडिंग डेट है 23rd नवंबर 2019। मुझे ये डेट याद नहीं रहता है, इसके वजह से मुझे सुनना भी पड़ता है। सच में मुझे तो कभी पूछा तक नहीं इस दिन को, याद है या नहीं है भी, ये भी याद नहीं। ये होता ही है। सो अभी हम लोग पहुंचे, ये फर्स्ट पेज है शादी के। तो शादी का जो मंडप था, जैसे मैंने आपको पहले बताया था, हम लोग ओल्ड गोवा में शादी किए हुए थे। ओल्ड गोवा में शादी हुआ और रिसेप्शन हुआ पोरवरी में। ऐसे क्यों हुआ थोड़ा सा डिस्क्लेमर बता देता हूँ, नहीं तो लोगों को समझ में नहीं आएगा क्यों हम लोगों ने ऐसे डिसाइड किया है। ये बहुत इम्पोर्टेंट है, आपको सुनना चाहिए। तो क्या था सरिता, जैसे कि आपको पता है हिंदू, मैं क्रिश्चियन हूँ, तो सिचुएशन क्या बना था, मुझे चाहिए था चर्च में भी थोड़ा ये जो रिचुअल को सेलिब्रेट किया जाए, शादी को मनाया जाएगा। कि यहाँ पे मैंने पूछा तो दो तीन प्लेस में पूछा तो उन्होंने एक्सप्लेन किया मुझे कि आप अगर आप तो क्रिश्चियन हो आप सारे प्रोसेस करोगे, पर जो लड़की है उसको भी सारे प्रोसेस के थ्रू जाना पड़ेगा। जैसे कि जे आमचे गोयान आता क्रिश्चियन भाव भयण आसा ते कुम्यांव जालो म्हणटकीर पळय ते मागीर कम्युनियन घेवपाक मेळटा पळय न्ही, तेय बी घेवचे पडटले आसले न्हू। वो स्टेप बाय स्टेप सारे प्रोसेस को क्लियर करने के बाद ही वो लोग आपको एज ए फॉर्मल वेडिंग आप चर्च में कर सकते हो, ये मुझे उन्होंने एक्सप्लेन किया है। तो मुझे सरिता उससे कंफर्टेबल नहीं थी, तो मैंने उसको फोर्स भी नहीं किया है, ठीक है। सो इसलिए हमारा जो शादी हमने लास्ट में डिसाइड, और ये शादी में सबसे मेन इम्पोर्टेंट डिसाइडर जो थे हम दोनों ही थे। सरिता और मैं डिसाइडर थे, फैमिली सारे फैमिली सपोर्ट कर रहे थे। लव मैरिज था, हम लोगों ने क्या किया, लव था 15 साल का प्यार, उसको हमने एक अरेंज में कन्वर्ट किया। उसके उसके फैमिली को अप्रोच किया, भाई मम्मी सबको अप्रोच किया, वो लोग भी एग्री किए। मेरे फैमिली को अप्रोच करने के बाद ये सारे हम लोगों ने हमारे दोनों एंड से ही, बाकी ये सारे लोग तो साइड में सपोर्ट में थे, पर सारे जो डिसीजन है हम लोगों को ही लेना था, कैसे करना था ये सारे अरेंजमेंट हमको ही करना था। तो इसलिए हमने ये डिसाइड किया कि चलो सरिता को हिंदू के रिवाज में शादी करना है, और मुझे पहले से बोल रही थी शादी थोड़ा अच्छा करना है, उसको एक रहता है ना, क्या बोलते उसको, छोटी है ना, तो लास्ट शादी तो एक अच्छा ये होता है, अच्छा होना चाहिए उसको, एक ड्रीम था। भाई भी बड़े, बाद में दीदी, और ये सबसे छोटी है तो एक विश रहता है ना, उसका एक विश था शादी होगा, कुछ भी होने दो शादी मुझे अच्छा से करना है, और प्रॉपर तरीके से सारे लोगों को बुला के शादी प्रॉपर तरीके से करना है, ये इसका ड्रीम था। तो इसके हिसाब से मैंने बोला ठीक है, अगर चर्च में नहीं हो पा रहा है तो हम लोग टेम्पल में करेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं। उनके टेम्पल में भी हम लोग गए, पर यहाँ पे और एक सिचुएशन हमारे साथ हुआ कि सारे टेम्पल में ना आपको जो ये होता है ना इंटर रिलीजियस, हाँ इंटर रिलीजियस मैरिज नहीं कराते सारे टेम्पल में। तो यहाँ पे हमारा नहीं हो पाया क्योंकि सेम
हिंदू क्रिश्चियन, तो हम लोगों ने एक ओल्ड गोवा में एक टेम्पल था वहाँ पे जो भट जी थे उनको पूछा, तो उन्होंने बोला ठीक है कोई प्रॉब्लम नहीं मैं करवाता हूँ करके, वहाँ पे उनके सिस्टम के हिसाब से उन्होंने किया, जो भी हुआ वहाँ पे जो जो उनका रिचुअल था, रिचुअल बोलते हैं, जो भी रिचुअल था उनके हिसाब से हुआ, मैं सारे एक्सेप्ट किया, मुझे कुछ प्रॉब्लम नहीं है। जैसे आप लोग देखते हो मैं टेंपल में भी जाता हूँ, चर्च में भी जाता हूँ, मेरा मुस्लिम फ्रेंड कम है, अभी तो इमरान बना है, कभी ईद को भी बुलाएगा तो वहाँ पे भी जाऊँगा, मुझे खुशी होता है सारे रिलीजियस को सेलिब्रेट करना, तो मुझे कुछ प्रॉब्लम नहीं था, इसलिए हम लोगों ने डिसाइड किया और वो टेंपल में हमारा लग्न संपन्न हुआ। तो उसका फोटो अभी देखेंगे, रिसेप्शन का आगे दिखाएंगे, रिसेप्शन का आपको देखना है, मस्त है, बने रहिएगा, स्किप मत करो। और रिसेप्शन के लिए ये जिम्मेदार है, क्यों जिम्मेदार है? जिम्मेदार ये है कि हाँ क्यों वो आगे पता चलेगा आपको, हाँ ये लड़की जिम्मेदार है। चलो अभी पहला पेज, एक्सप्लेनेशन लंबा हुआ है चलेगा, ये तो आपको वीडियो थोड़ा लंबा ही होगा, एक्सप्लेनेशन बहुत जरूरी है। पहला फोटो रिव्यू करो। उस दिन क्या हुआ, शादी के दिन ही हल्दी की रस्म भी रखी थी अर्ली मॉर्निंग में, उसी दिन उसी प्लेस पे अंदर एक साइड में, और हल्दी के टाइम पे जो हम लोग पुण्य वचन करते हैं उसको कहते हैं देव कार्य, देव कार्य सब भगवान का जो कार्य होता है रिचुअल, ये सब पहले होता है, इसके बाद में हल्दी लगती है, हल्दी के बाद तुरंत इसको नहा के शादी के गेटअप में जाना था, टाइम बहुत ही कम था क्योंकि मुहूर्त पे शादी होती है, मुहूर्त का एक मिनट भी नहीं हिलना चाहिए, तो टाइम बहुत ही ये था, टास्क था इसके लिए भी और हम इसके साइड वालों, हाँ सबके लिए, इसका तो उतना टेंशन नहीं था, दुल्हन का तो थोड़ा तैयार होने के लिए टाइम लगता है ना, तो इसलिए बहुत टास्क था। तो यहाँ पे शुरू हो गया हमारा ये रिचुअल पूजा जो होते है ना, तो ये है बड़े भैया भाभी, इन्होंने किया था, जो भी एक कपल को बैठ के करना पड़ता है दुल्हन का भी और दूल्हे का भी, जो जब जो पूरा जो कार्य होता है ना हिंदू रीति में, तो वो करना पड़ता है, वो भैया भाभी ने किया इनका, और सरिता साइड में बैठी है, और एक इसको तो पहचानते होंगे, वो तीन लोग नहीं बैठना चाहिए इसलिए और एक को साथ में बैठना पड़ता है, तो वो बैठे। तो भट्ट जी ने पूरे मंत्र के साथ पूजा तैयार की, पूजा शुरू की कर दी, और फिर सबसे पहले वो गणेश पूजा से शुरू करते हैं, और उसके बाद में सारे मंत्र करके पूरा रिचुअल एक एक डेढ़ घंटा लग जाता है होने के। और यहाँ पे ये जो शादी के मंडप पे ना, यहाँ पे सिर्फ हमारे जो क्लोज रिलेटिव थे उनको ही हमने बताया था शादी में, हाँ शादी में, रिसेप्शन में सारे लोग सारे रिलेटिव फ्रेंड्स सारे थे, तो ये पहला था। और शादी का भी मंडप आप देखोगे ना, बेसिक सा डेकोरेशन किया गया था, क्यूट, जस्ट क्यूट सा, छोटा सा, छोटा, बहुत अच्छा हुआ था, सरिता को लाइक, सरिता को लाइक हुआ था, बहुत अच्छा हुआ। पर दो दो प्लेस में हमने किया हुआ था, तो शादी में हम लोगों ने ज्यादा इतना ये नहीं किया, जस्ट जो रिवाज है उसको कम्प्लीट करना था, तो यहाँ पे किया। ओके, सरिता का लुक देखो, येलो साइड, हाँ यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे ध्यान देना है, यहाँ पे और एक आपको बता देता हूँ, जितना भी आपको यहाँ पे दिखेगा सरिता के जो मेकअप, ठीक है, सरिता का मेकअप और मेरा थोड़ा छोटा छोटा बहुत क्या बोलते हैं टचअप और हेयर स्टाइल, ये दीदी ने, लेकिन टाइम नहीं था, ठीक से नहीं दीदी हुआ। और इसके टीम नाम क्या है इसका, वो इसके दिन आई थी वैष्णवी, वैष्णवी मेरी फ्रेंड है, जो कभी भी तभी जब भी मुझे कुछ रहता था मुझे असिस्ट करती थी, तो रिसेप्शन के दिन खास कर वो मेरे साथ यहाँ आई, उसने बहुत हेल्प किया, और फ्रांसिस को दूल्हे का पूरा उसने किया था टचअप, रिसेप्शन वाला फोटो देखो मेरा, मैं क्या चमक रहा हूं, वैष्णवी ने किया था और मैंने इसका किया था, लेकिन शादी के दिन पे बिल्कुल टाइम नहीं था करने के लिए क्योंकि दूसरे भी काम थे, प्लस उसको तैयार करने के लिए टाइम का, काफी काफी बढ़िया बढ़िया था, लेकिन और थोड़ा होना चाहिए था ऐसे लग रहा है मुझे। ओके, सो ये अभी हम चलते हैं, ये फर्स्ट पेज हो गया, सेकंड पेज, सेकंड पेज में यहाँ का रिचुअल थोड़ा बता, क्या ये पूजा ही चल रही है, पूजा चल रही है, यहाँ पे कलश को माथा टेका के एक रिस्पेक्ट दिया जा रहा है, अभी कलश यानी लक्ष्मी माता का वास होता है उसमें, जैसे रिस्पेक्ट देते हैं, नमन किया जाता है ना, तो वो हो रहा है इधर सब, तो इसी से ये से भैया भाभी भी वही रिचुअल को कंटिन्यू कर रहे हैं, तो इसके बाद आगे की पूजा होती है, तो ये स्टार्टिंग है। अभी अगले पेज में चलते हैं, अगले पेज में हो रहा है क्या, इधर हल्दी लगाने का, सरिता का हल्दी सेरेमनी का फोटो, ये देखो शनै दो उंगली से लगा, शनै जो है ये इसका भैया का लड़का, और आदि जो है आपको पता है, अश्विन भी है, तीनों हीरो है अपना,
अपना तीनों हीरो यहाँ पे, भाभी लगा रही है यहाँ पे, दीदी यहाँ पे, भैया और ये बच्चे सब लोग। और हल्दी में जो कपड़ा सरिता ने पहना है ना, हाँ। वो मेरे ख्याल से मैंने गिफ्ट किया था, बहुत पुराना कपड़ा था वो। कितना साल पुराना था वो? पहले था। पर कुछ कुछ फोटो में सोनी दीदी मिसिंग है, क्योंकि ये पूरा मेकअप के पीछे इधर उधर भाग रही, इसके सर पे पूरा रेस्पॉन्सिबिलिटी था जिसकी वजह से। नहीं लेकिन था, लेकिन देखना। मैंने उस टाइम ना हल्दी के लिए येलो ड्रेस लाया था, पर वो ऑल्टर ठीक से नहीं किया था। अच्छा, वो ठीक से नहीं हुआ था इसलिए मुझे ऑन द स्पॉट ये ड्रेस पहनना पड़ा। मैंने जो दिया हुआ था प्यार का क्या बोलते हैं गिफ्ट, और डाला और हल्दी के बाद वो फेंकते हैं ना। हाँ, वो फेंक देते हैं। कहा था फेंक फेंक दिया, पुराना था ना। हाँ, वो उड़ा था। आप देखो कितनी अच्छी लग रही है, स्माइल भी बहुत अच्छी लग रही है। जीजू कुछ बोल रहा है। मुझे तो लगता है उस ड्रेस में उसका और अच्छा लग रही है। नहीं इसको क्या बोलते हैं, नजर कटा थी, नजर कर ली, नजर कर ली, सेम लाइक कैन दिल्ली थी बोरी वस तेजित एक दिल्ली थी नजर करन बाहर ओढ़े आता नहीं उड़ी। ऍक्च्युली ती तशेंच असता, हळद लायली की ती सगळी किरी असता पळय, पहिलीची किती वाईट असता, जो भी नेगेटिव्ह रहता है लाइफ में या फिर कुछ भी, तो वो हल्दी का रसम ही ऐसा है, वो पूरा लगा के हल्दी शुद्ध होती है और हाँ। पूरा नेगेटिव निकाल के बाहर फेंकना, ये उसका मतलब है। और हल्दी क्यों लगाते हैं, ग्लो भी आता है और इसलिए भी मैंने शॉर्ट किया था। और वो क्या है ना, यहाँ से नीव तक था और पीछे लॉन्ग था, इसलिए मैंने ऐसे पहना था, वो हल्दी लगाने के लिए अच्छा लगता था। यहाँ पे ये फोटो था सरिता के पैर में मेहंदी, कौन निकाला? वो दीदी ने ही निकाला था मेहंदी, पैर का मेहंदी, पैर का मैंने निकाला था। इतना इतना कब रे टाइम मिल रहा तुझे? पैर का तूने निकाला, हाथ का दूसरे कोई का आया था, मेरा एक लड़की बुआ का लड़का है, उसने किसका फ्रेंड को लाया था। ये है ना दुल्हन की बहन कोरोली, जो वो कोरो धरता पहलू, कोरो यानी कलश, कलश जो पकड़ती है ना, दुल्हन के साइड में बहन पकड़ती है और दूल्हे के साइड में दूल्हे की बहन, तो भटजी कुछ मंत्र बोल के वो हाथ में देते हैं। तो ये फोटोज है, ये दीदी ने पकड़ा था और ये फ्रांसिस की बहन, छोड़ दिया मैंने। वो मैम ने उसको गिफ्ट दिया, वो वहाँ पे पहनाया उन्होंने। पूजा सेम पूजा जो सरिता का हुआ, सेम पूजा मेरे साइड से हुआ। यहाँ पे जो आप देख रहे हो ना, मेरे राइट साइड में भाई बैठा है, पीच कलर का जो कुर्ता डाला, ये मेरे भाई है। भाई मेरा हैंडसम दिखता है, मैं खुश हो रहा था अंदर से भाई को देख के। तो ये मेरा भाई है, और मेरे लेफ्ट साइड में जो है ये प्रशांत के मम्मी और प्रशांत के डैडी। अभी प्रशांत के मम्मी डैडी क्यों बैठे हैं, मेरा शादी का जो रिचुअल इन्होंने संपन्न किया था, कम्प्लीट किया था। मुझे डैडी नहीं है, पापा नहीं है, तो मम्मी को बैठने को नहीं मिला था, इसलिए प्रशांत के मम्मी और पापा उनको मैं मेरा फैमिली मानता हूँ, मेरा फैमिली जैसे। और यहाँ पे जो दीदी मैंने बताया ना, वो प्रशांत की बहन है, मेरी बहन है वो, ये मेरे फैमिली है यहाँ। तो इन्होंने मेरा पूरा जो रिचुअल है इन्होंने कंप्लीट किया था, और उस टाइम में चिकना दिख रहा था, मेरे चिकना दिख रहा था, सच्ची नहीं नहीं था इसलिए क्यूटी। चलो, और एक बात, ये जो पंडित जी था, मैं इसको इसलिए इतना तारीफ कर रहा हूँ ना, पंडित जी हड़बड़ी में नहीं कर रहा था, जितना भी रिचुअल कर रहा था ना, तो मका याद हा करता ना, मगर केले की खंड तक फोटो दिऊं दे तो सांगता लो, अरे अरे पोज दिया मेरे फोटो ना, और वाओ गोडी तो करना हालो आंगा फोटो घे, ए बाबू आंगा फोटो घे, असे नाजलर से घेवपाक तेंका ते लक्षात ते आपले काम सपैदा नहीं होता ना, तसे असता पण ओ मुंडालो तो इधर ऐसा पोज ले लो, इधर फोटो निकाल लो, सुसागत काड़ा फोटो और मुंडालो। उनका एक्सपीरियंस, लाइफ एक्सपीरियंस बहुत अच्छा था, ये मेमोरी बहुत अच्छी। अभी ले भाई, जो फाटला नहीं बस आप रे, ये भाई आई ही दीपकशाची आजी, ते एक्सपायर झाले। अच्छा, किसका? हां म्हणजे आमची चोला तो ताजी जाता रे, दीपकशाची तोडाची। अच्छा, वो अभी हमारे बीच में नहीं रहे, पर उनका एक छोटा सा याद आ। ये फ्रांसिसको हल्दी लग रही है, फ्रांसिसको हल्दी, हल्दी संबरम। पहले जो आपको दिख रहा है, ये फोटो दिख रहा है प्रशांत की मम्मी, ये दीदी और उसके बाद भाभी, और ये मेरे ख्याल से दोस्त है, देवेन है, और ये साइड में भैया प्रवीण है, गुरु है, समीर है, और सारे लोगों का हल्दी फोटो रहेगा। तो हल्दी लगाया, पूरा येलो कर दिया था, और उस हल्दी को निकालने के लिए कितना त्रास हुआ। हाँ, सच में। तो कि मका दिसता साबण का किदे नहाला, साबण नहाला दिसता।
याद उरता न्हावपाक साबण व्हरूंक जाय म्हणून आनी अर्जून मॅरेजले पूण ती वसना न्ही बेगीन माझे साबण न्हालो धाडून दिवपाचो और मेरे दोस्त जैसे ये प्रवीण वगैरह आपको पता है इतना इतना लेके आ रहे थे और पूरा थोप रहे थे। अरे हल्दी एक बार लगती है ना तो इसीलिए बहुत मजा करते हैं। अच्छा सेलिब्रेट हुआ ये शादी का कपड़ा आने गिरे रहे अब दोन वर्षा दादा वो अभी साल लो ये तो क्या बांध रहा है वो बता ते आ बाशिंग बांधता बाशिंग ते होली बाशिंग आम्ही वकलेक बांधता आणि नवऱ्याकही बांधता सो वकलेक बाहेर काढपाच्या टायमार भटजी ते घेऊन त्याच्यावर मंत्र म्हणून भीतर धाडून दिता आणि ते मागीर बेगीन बेगीन बांधप बांधून रोखडे मुहूर्ताक घेवप भायर सो बेगीन बेगीन ताका हांव बांधताले रोशनान म्हटले राव 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 एक सेल्फी घेता सो रोशनान सेल्फी घेतली आणि मागीर फॅमिली वांगडा भैया भाभी वांगडा आई दीदी आणि आम्ही मॅम असा आणि ही रक्षालीची मम्मी आणि रक्षाली त्यांची कजन और यहाँ पे मुझे एक याद आ रहा है ये सारे रिचुअल होने के बाद मेरे ख्याल से मेरा जो हमारा जो लड़के लोगों का रूम चेंजिंग रूम और इनका चेंजिंग रूम आसपास था पर वहाँ पे मुझे किसी ने तो बोला अभी तुम एक दूसरे को नहीं देख सकते हो तो वो होता है ऐसा कुछ है तो अभी वहाँ पे क्या हो रहा था भट जी वहाँ पे जल्दी जल्दी बुला रहा था हमको एक दूसरे को रुक के जाना पड़ता है मैं निकल जाऊंगा तो उसको नहीं निकलने को मिल रहा है तो ऐसे हो रहा है हाँ। तो क्योंकि और सामने आमने सामने नहीं होना चाहिए था एक साथ आने को नहीं चाहिए तो ये भी सिचुएशन था तो ये थोड़ा गड़बड़ था पर और एक यहाँ पे बताऊँ क्या हुआ था तभी तुझको पता नहीं था क्या हुआ था ये जो सरिता ने यहाँ पे ऑर्नामेंट पहना है ना कान का दिख रहा है डायमंड का दीदी ने बनाया दीदी ने गिफ्ट दिया था मुझे दीदी ने इसके लिए गिफ्ट किया था मतलब बनाया था और खुद के लिए भी उसने वैसा ही सेम ही कान में उसने क्या किया पता है अपना वाला पहन लिया उसको जो पहनाना था घर पे छोड़ के कौन दीदी और नहीं तो क्या उसको और उसको याद है कि रखा है लेकिन वो बहुत डर गई पूरा ढूंढा उसमें टाइम वेस्ट खुद को तैयार करूँ बच्चों को तैयार करूँ उसको उसका हालत में बोल रही थी वो बोल रही कि मैंने घर पे रखा परवरी में तो बस योगेन के उसको लेके घर पे जाके मिला थैंक गॉड तो वो लेके आई और उसको जल्दी जल्दी पहनाया फिर परवरी में ओल्ड गोवा से परवरी में आए फक्त दीदी जीजू तुम्हीच आणि माका आईक सुद्धा मी सांगू ना आबूज जातले और एक आपको बताता हूं ना ये शादी में जो सारे अरेंजमेंट हो रहा था सारे ऑलमोस्ट यही लोग थे मेरे दोस्त ये लोग दीदी जीजू ये लोगों ने पूरा चीजें देखा हम दोनों तो हमारे दुनिया में थे क्या चल रहा था मुझे पता नहीं मेरे घर का मुझे पता है मेरे घर का वीडियो रहेगा डेकोरेशन बहुत अच्छा मेरे दोस्त लोगों ने किया हुआ था अच्छा लगा था तुझे पूरा जब हम लोग आए ना ये सारा डेकोरेशन किया था मतलब शादी के बाद जो विदाई होती है तो बहुत अच्छा सजाया था बहुत अच्छे इसको घर को सजाया था तो सारे मेरे जो ग्रुप है आगे दिखाऊंगा आपको उन्होंने बहुत मेहनत किया देखते ही रह गए आपको याद नहीं रहेगा जिस दिन शादी था उस नाइट को मेरे कोई भी दोस्त सोया नहीं था सारे लोग यहाँ पे काम कर रहे थे उनके साथ मैं भी था ऑब्वियसली और भैया जो मेरा काम किया है ना मतलब क्या बताऊ बोलना वो तो बहुत खुशी अपनी छोटी पूरा ये घर को अकेला साफ किया था मुझे टाइम नहीं था शॉपिंग वॉपिंग करना और जैसे भैया का नाम लिया इधर भैया दिख गए आगे नेक्स्ट दूल्हा तैयार दूल्हा तैयार हो क्या है शादी के लिए हाँ ये देखो दाहिने साइड में क्या बोलते हैं उसको रक्षक खड़ा है भैया की बात कर बाशिंग बांधले मरे तू कहा लाम केले मरे थे मुदले सो हंगा एंट्री जाता यहाँ पे एंट्री हो रही है और जब दूल्हे आते हैं ना दुल्हन की साइड को पहले हजर रहना पड़ता है हॉल में एंट्री करने के एंट्री हाँ और दूल्हे को दुल्हन साइड की जो पूजा में बैठते हैं वो करते हैं ना शादी उनको वेलकम एक रिचुअल पूर्वक मान सम्मान पूर्वक अंदर लेना पड़ता है तो वो रिचुअल यहाँ पे कर रहे हैं भैया भाभी है वो लोग उनको अंदर ले रहे हैं
ये दीपक हाँ, क्या है इसको एंट्री करता है ना इसको कोंकणी में नंददीप कहते हैं लामंडियो लामंडियो घेन भर का पांच जानी धरप सकट भर हाड़प इनकी एंट्री हो गई तो इसने जाके स्टेज के पास रुकने का मुंह नहीं दिखाना इसने भी और इसका भी नहीं देखना है। उसके बाद में दुल्हन को ऊपर लाते हैं चढ़ करून तो मामा मामा दुल्हन के उसने लाना है तो सरिता के मामा नहीं है इसलिए मामा के बेटे ने उनके मामा के बेटे ने यहाँ देख रहे हैं आप हाथ पकड़ के ला रहे हैं और साइड में मैं उसको एकम्पनी कर रही हूँ मेकअप तो आधा बहुत रह गया था पता नहीं काजल भी लगाया था पता नहीं काजल नहीं लगाया था मैंने नहीं लगाया था ना काजल भी स्किप हो गया इतना था गड़बड़ तो वैसे ही फिर भी सरिता बहुत अच्छी दिख रही है शादी के लुक्स आप देखो तो अभी दुल्हन की एंट्री हो गई एंट्री होने के बाद वो अंतर पार्ट कहते हैं उसको वो जो कपड़ा बीच में रहता है ना वो पकड़ते हैं मुंह देखने नहीं मिलता है और बाद में वो मुहूर्त होता है मुहूर्त के 5 मिनट पहले मंत्र स्टार्ट हो जाते हैं और मंत्र वो मुहूर्त के वो जो मुहूर्त है ना तभी वो अंतर पार्ट निकाल के वरमाला पहनाते हैं वो मुहूर्त मेरा चेहरा देखो 15 साल क्यूरियस है 15 साल से उसको चेहरा देख के आ रहा हूँ और इधर ऐसे दिख रहा है कि कब हटाओगे मैं देखूंगा करके देखो मुझे कैसे देख रहा है देखो उसकी है ना जरा तो नजरें झुकाना चाहिए देखो कैसे देख रहा है कैसे दिखेगी क्या मैं मेरे मन में चल रहा है अरे 15 साल से मैं देख के आ रहा हूँ क्यों छुपा रहे उसको अच्छा चलो आगे जानते है चालू है अरे यहाँ पे मुझे याद आया ये जो मंत्र चल रहा था ना हाँ। वो ऊपर से इधर सर पे राइस डालते हाँ। चावल ऐसे मुझे कंटिन्यू इसमें देखो गाइस मैं क्लियर कर देता हूँ इसमें ना रिचुअल रिलेटेड मुझे हिंदू रिलीजियस रिलेटेड नाम इतना पता नहीं है तो उसके लिए थोड़ा समझ जाना हाँ पहले मैं बोल देता हूँ सो उसमें जो वो अक्षदा डाल रहे थे ना मेरे सर पे क्या था कैप था और कैप के यहाँ पे ना एक खड्डा जैसा था वो डाल डाल के भर दिए थे ना इतना हेवी सो हांगा अक्षता घालता मामा पयली म्हणजे मामा नाल्या मामाचे चेड्याचो हात पयली आसता वयर मागीर कोणी घालता सो जिजू घालतालो म्हणजे ते सोपोंक जायना धार तिका धार म्हणटा अक्षताची धार जितले मंत्र ते चालू आसता न्ही ती धार चालू असू जाय दोनी सायडीक अशे हे सगळे एक हे न्ही आमचे रिच्युअल एक बरे लोक सगळे बरे म्हणूनच ते करता न्ही एक मेमोरी एक रिचुअल तो होना ही है बहुत रस्म होती है शादी में सबके यस तो ये पर्दा हटा उसके बाद दुल्हन मिली सामने हाँ। अभी डालना है वरमाला अभी क्या किया देखो अभी सीन क्या बना मुझे पीछे से उठाया प्रवीण था गुरु हाँ। था और सचिन पकड़ा और मुझे उठाया मैंने सोचा भी नहीं था कि इसको उठाएंगे इसको उठा दिया इधर देख तुझे बोल रहा था ना टेंशन है तुझे बोल रहा था ना ये इधर निकाला हां निकाला करेक्ट ये जो बीच में आ रहा था ना ये निकाल दिया ऊपर मुझे भी याद है वो निकाला था किसी ने तो बार हां और सरिता को अकेला उसको कजन भाई ने उठाया रुद्रेशान उकलला वैसे ही करते हैं ना वो मजा करते हैं पर बहुत अच्छा हाँ बहुत अच्छा तो मोमेंट है एक्चुअली कैप्चर केला बरोबर कैप्चर भी बरे केला देने जो दीपेश था जो हमारा कैमरामैन मेरा दोस्त अच्छा कैप्चर किया मंगलसूत्र होते हैं फोटो अच्छा है ना अच्छा है और ये साइड यहाँ पे होता है फेरे का सारे अरेंजमेंट चल रहा है जो मंडप में जो सिंहासन क्या बोलते हैं इसको कुर्सी कुर्ची हाँ जो मंडप में कुर्ची रखते हैं कुर्ची में हम लोग बैठे हैं पंडित जी यहाँ पे कुछ पूजा करे उसके बाद यहाँ पे देखो ये अभी कन्यादान शुरू होता है ये जो जूम फोटो है ये कन्यादान ही है
अच्छा, ये भाई का हाथ होगा, ये भाई बहन का हाथ आपके हाथ में दे रहा है, वैसा है ये कन्यादान। और यहाँ पे फिर फेरे का तयारी हो रहा है, यज्ञ हो रहा है, यज्ञ हो रहा है, जो लकड़ी जलाया जा रहा है और उसके बाद हमारा फेरे होने वाला है। कन्यादान ये वही कलश का पानी डाल के कन्यादान कर दे। अलार्म झालं झोपाचं यस। तो ये था अपना कन्यादान का फोटो, अभी आगे चलते हैं कन्यादान से। कन्यादान से मागे लायो घालता भाव, तो किती घालता लायो, लायो बाईन घातला आणि रुद्रेशान घातला। अभी उसके बाद यहाँ पे हो रहा है फेरे, सात फेरे मेन। आना दिले नुरे तुका चोडू हात दिलो कन्यादान दी जाले नी फेरे का मार भजन करपाचे बायले। सात फेरे कंप्लीट किया था आने की रहता है नन्न ये बोलला तुम्हारे दरिया याद ना सातच घेतला मरे आठ करू ना दिव्यास तू बिन पोईन झाले सांग हा तू कॅमेरा कॅप्चर करताल तो सात फेरे झाला का ना पोया। ये हात में मेरे किसके हात में था, शंख या नाल था? नाल तो नाल असतं पहिनू नाल हे सदा ते श्रीफळ त्याका खूप मान असतं। नाल नसताना कसले देवाचे काम जायना नी आमचे, किती झालेले नाल असतं पण गणेश पूजेक नाल धरता उटी भरपा नाल जाय। सो ते एक तू बरे वस्त हातीन धरून ते बरे काम करता आणि तुझे लाईफ पार्टनर हाडटा। सो त्या नाल्ला मातशे डेकोरेट करता आणि तो मेमरी कसं माहीत असं दौरता तर डेकोरेटर नाल तो। इसके लिए मैं इसको लेके आया हूं बेटा, चलो आम्ही क्यों बुलाया इसको मुझे एक्सप्लेनेशन चाहिए ना आपको बताने। सिंदूर तिलक मांग भरता थे। यहाँ पे एक रिचुअल हो रहा है, बकेट में दीप रखा है तो क्यों? ते बकेटान किद्याक दौरला एक्चुअली ते नुते कोण्याचं हे असता ते नसल्यांच्या तिथून दौरता तो ते दोघांनी मिळून पळप मग ते एक दीप पळयता म्हणजे दीप म्हणजे एक गुड साईन न्हू तुमचे आता उजवळले तुमचे आता एक न्यू लाईफ स्टार्ट जाता। सो तुम्ही दोघांनी पळवून ते असे प्रॉमिस कशी की आम्ही आता हे पुढे बरे वरतली तसे ते पण थंय ते कोण्याचे हे नसले किती म्हणटा तेका आराण बांबूचे किती करता ते। सो ते ना म्हणून जस्ट बकेट हाडलेलं त्या टायमार एमर्जन्सी ते वारे लागता आणि पालवंग हमारे हिंदुस्तान में कैसे कैसे रिवाज है ना आणि हांगा सिंदूर भरता ते। जब तक हम उस स्टेज में नहीं पहुंचते हमको पता नहीं चलता ये रिचुअल पे ये रिवाज है। अन ये जा लाके ना सिंदूर भरता थे दाखवितलो तोर मांग में सिंदूर। और जिंदगी में पहले बार फर्स्ट टाइम मांग में सिंदूर भरा। अभी विवाह संपन्न हो गया, अभी सब रिलेटिव्स फैमिली मंदिर में आए, मंदिर में भी जाकर आए क्योंकि उधर ऑपोजिट में मंदिर। अभी सभी विश करने के लिए स्टेज पर आकर विश किया सब लोगों ने, तो सबके फोटोज है फैमिली रिलेटिव्स क्लोज रिलेटिव्स। ये शादी का फोटोज है जो लोग आए थे वो फोटो आपको बताए थे। ये देखो ये जो नीचे है ये मेरे फैमिली है, हम दोनों है। मेरे राइट साइड में प्रशांत के पापा और मेरे भाई है, सरिता के लेफ्ट साइड में देखोगे मेरे मम्मी है, प्रशांत के मम्मी और दीदी। यहाँ पे है मेरा काका चाचा चाची और कजन सिद्धि और प्रज्योत। ये शादी कंप्लीट होने के बाद हम लोग वो मंडप में रुक के कुछ फोटोशूट किया था, उसका आपको दिखा रहे हैं अभी सारे रिलेटिव्स के फोटोशूट। आणि ये लग्न झाले की म्हणजे करोडे असता पण ते का उठी ये करता किती देतात साडी दोर किती तर बाबी त्याका दिताली आणि यांचे म्हणजे जे यजमानी असता पण त्याची उटी भरता पण त्यांना देतात। आणि या साईडी आहात सगळे माझे कझन्स आणि भाभी सगळे एक साईडी रावला रोशन बिशा आणि एक साईडी काकी आणि एक साईडी सगळे कझन्स रावल्या। या साईडी को रोशनची फॅमिली आहात, काका काकी बीन भाऊ बीन सगळे रावला आणि या साईडी दुसरे वडलो भाव माझं सुदत भाव त्याची मिसेस भाभी आणि त्याची बाय बाबू आणि ही भाभीची मम्मी ही बीन आहे सध्या ये जो फोटोज है ना गाइस काफी सारे फोटो है, एक एक पेज में ना 6-7 फोटोज है। तो फोटो का मैं स्लाइड डाल दूंगा आप देख लीजिएगा, सारे रिलेटिव का फोटोज है और हमारे जो क्या बोलते हैं क्लोज फैमिली और रिलेटिव्स का फोटो है ठीक है। और ये साइड में जो देख रहे हैं ये सारे मेरे फ्रेंड्स है और यहाँ पे एक फोटो देखो बॉस को सेल्फी ले रहे हैं। वाह भाई सेल्फी का भी फोटो निकाला जा रहा है। हाँ। ये मामा ले चूड़ा अर्चना ये मामा ले चूड़ा ये रोशन अपुन सदात मुकर रोशन फोटो में ज्यादा दिखेगी आपका और खींच खींच के आई के साथ
शादी के दिन प्रशांत अच्छा कुर्ता डाला था ब्लू कलर का, मस्त दिख रहा है। जीजू दीदी आदि सुजन दाई भाई पूजा हाँ रोशन दीपक शाबिन सगळ्या हाँ खूब आहा दाग सांगतले आदि सिंग सरिता पची। यहाँ पे स्वीट मोमेंट क्रिएट हुआ है, यहाँ पे आदि है थोड़ा छोटा था प्रशांत के साइड के जो कजन है उसका लड़का है दियांश दियांश है तो ये क्यूट दिख रहा है अभी थोड़ा बड़ा हो गया है क्यूट दिख रहा है। और यहाँ पे हमारे ये साइड में जो फोटो दिख रहा है ना ये हमारे ट्रैक के ग्रुप है 2018 में हम लोग हिमालय ट्रैक किया था उसके सारे फ्रेंड्स ग्रुप है ये लोग भी आए हुए थे ये लोग शादी को आए थे रिसेप्शन में नहीं आए थे तो ये फोटो अच्छा। अभी दिखा सकता हूँ मैंने हाथ में जो शॉल पकड़ते है ना वो दीदी ने हाथ से बनाया था मेरे लिए स्पेशल वूलन पर सब आता है पर बनाती नहीं कुछ भी दीदी को ना वो हैंडीक्राफ्ट वूलन का बहुत सारी चीजें आता है करने के लिए और सरिता के लिए उसने बनाया था जो शादी के टाइम पे उसने हाथ में ऐसे रखा हुआ था ना आपको दिखेगा मरून कलर का मेरे ख्याल से मरून कलर वो दीदी ने बनाया था उसी से गठबंधन होता है ना तो वो शॉल और दुल्हन के हाथ में भी एक शॉल यहाँ पे देखो ये बांधते हैं दीदी बांधती है मेरे निशा दीदी ने बांधा था वो बांधते हैं ना ऐसे की बहन सात फेरे लेने से पहले बांधते हैं भाग के नहीं जाना चाहिए घर के तू वो हमारे ऑल ओवर इंडिया में वही है सब जगह बहन ही बांधती है। और यहाँ पे देखो ये मेरी मामी है मामा नहीं है मामा एक्सपर्ट है मामी है यहाँ मेरी मम्मी फ्रांसिस की मम्मी भैया भाभी मेरे फैमिली बहुत सारे लोग पूछ रहे थे फैमिली इधर देखो ये फोटो देखो ये बीच में जो रुका है ये मम्मी है पापा नहीं है और मम्मी के दो बेटे अनमोल रतन दो बेटे ये साइड में दो बहू बड़ी बहू और छोटी बहू ये मेरा फैमिली है। ये देखो यहाँ पे मेरा ना जो पहले काम करते थे ना लास्ट वीडियो में देखा होगा आप लोगों ने मकर संक्रांति का उसमें समीर सर और पल्लवी मैम और यहाँ पे ये दो फ्रेंड है मेरे सिद्धि और नीलिमा और ये जो है ना उसके नीचे फोटो जो दिख रहा है ये है ना ये गोकुल तई है मतलब तुलत मौसी बोलते हैं इसने ना मुझे मतलब बचपन से देखा है मतलब मुझे नलाया भी था ये इसने स्टार्टिंग से हाँ और उनके साइड में दो जो है वो कौन है वो भी बता ये दीक्षा है ना ये फ्रांसिस जो पहले शॉप था उसका हाँ हमारा प्रशांत और मेरा एक छोटा सा बिजनेस सेटअप था हाँ वहाँ पे वो स्टाफ थी दीक्षा है दीक्षा और उसका मिस्टर तो ये लास्ट है शादी के लास्ट फोटो आपको दिख रहा है ये मेरे सारे फ्रेंड्स ग्रुप है बड़ा सा लंबा ग्रुप है ये वही फ्रेंड्स है तुझे दखते दखते हैं फ्रेंड्स के छोटे फ्रेंड्स छोटे बाबू सचिन के मारुति के और कजन्स के ये ग्रुप को मिस करता हूँ मैं सारे इधर उधर हो गए ना स्प्लिट हो गए कौन मुंबई चला गया कौन महाराष्ट्र आ गया कौन यूके पहुँच गया ये दोनों लास्ट टाइम आए थे मिलने के लिए सचित और अपर्णा आए थे और ये साइड में कजन्स है प्रशांत के तो ये है गाइस हमारा शादी तक का फोटोस आप लोगों ने देखा इसके बाद जो कंटिन्यू होगा ना ये रिसेप्शन देखूंगा अगर वीडियो लंबा हो रहा है ना एडिट करते वक्त मुझे पता चलेगा तो मैं रिसेप्शन को अलग पार्ट में डालूंगा उसको अलग से देखिएगा अगले वीडियो में दिखेगा। ये था लास्ट पेज कैसा था आपका आप दोनों का मेमोरीज थोड़ा रिफ्रेश हुआ है ना बहुत अच्छा लगा तो ये था मेमोरी फिर से हम लोगों ने चैनल स्टार्ट नहीं किया था अच्छा ड्रोन शूट वगैरह करता था मैं और क्या करे दोनों चैनल में उसके बाद स्टार्ट किया 20 में स्टार्ट किया मेरा चैनल और इसका तो अभी जस्ट